चोरी रोकने के प्रयास में एक नई चीज़ आपके सामने लेके आए हैं, अलार्म पैडलॉक। ये अलार्म लॉक एक लॉक की तरह भी काम करता है, जैसे हम लोग लॉक यूज़ करते हैं। और दूसरा काम इसका है कि सायरन बजाना, यानी कि जिस जगह ये लगाएंगे आप वहाँ ये लॉक का भी काम करेगा और वहाँ ये सायरन का भी काम करेगा। ये टू इन वन फंक्शन करता है। सिंपली करना क्या होगा आपको कि इसको जाने से पहले इसको लीवर को सिर्फ चेंज करना है आपको। ऐसे लीवर निकाला है, निकाल के ये चेंज करके इसमें जब लगाएंगे तो इसमें एक अलर्ट आएगा कि आपका लॉक एक्टिवेट हो चुका है, यानी सायरन एक्टिवेट हो चुका है। सिंपली ये एक्टिवेट हो चुका है। अब इसकी चाबी निकालिए और अपने साथ इसको ले जाइए, चाबी को। ये लॉक हो चुका है। अब होता क्या है कि रात को आपके जाने के बाद या कभी भी आपके जाने के बाद जहां आपने इसे इंस्टॉल किया है, चाहे वो डोर है, चाहे वो आपकी बाइक है, स्कूटी है, या कहीं भी आपने सेफ्टी के लिए इसको गेट पे लटकाया हुआ है, ये वाइब्रेशन पे काम करता है। जैसे ही इसको वाइब्रेशन मिलेगी ये एक अलर्ट देगा। अलर्ट इसलिए होगा कि या तो ओनर है या चोर है। अगर ओनर है तो ओनर के लिए वो अलर्ट है कि चाबी लगा के इसको बंद करना है। अगर उस अलर्ट के बाद भी इसे दोबारा वाइब्रेशन मिलती है तो फिर ये सायरन बजाना स्टार्ट करता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। पहली वाइब्रेशन देता हूँ इसको। पहली वाइब्रेशन पे इसने अलर्ट दिया कि ओनर है, तो ओनर तो चाबी लगा के बंद कर देगा, लेकिन दूसरी वाइब्रेशन जब इसे मिलेगी तो सायरन बजाएगा। ये दूसरी वाइब्रेशन पे सायरन बजाएगा और ये सायरन जो है ये जैसे ही इसको निकाला जाएगा वैसे ही सायरन बंद हो जाएगा। ये सायरन थोड़ी देर बजेगा फिर बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है। फिर इसको नॉर्मल मोड पे रखने के लिए इसको फिर मोड़ के और दोबारा लगा दीजिए और इसको लॉक कर दीजिए। ये इस तरीके से काम करेगा।